दिया हालांकि उस उनके हील के अंदर पास, ही उनको डैमेज पहुंचा है। क्लच मारेगा वो, बॉर्डर से मरेगा स्पेशल क्लच, अगर पीछे ऊपर खेलता स्कोर रहेगा पर ना जाकर तो के इसीलिए क्लच मारेगा, बैठ मरने वाला है क्लच बड़ी जल्दी। अरे क्लच को मारो ना भाई। अरे होना ही था भाई, कैसे ये मतलब कैसे पता था आपको? अरे पता क्या, बहुत बेसिक है भाई, उसने वो अभी अपनी पोजीशन छोड़ के आया है, पोजीशन छोड़ के आया तो गोडल वाले पोजीशन पे आ जाएंगे, ऑब्वियसली बात है स्प्लिट करेंगे। ये आखिरी है क्या? गोडल ने देख लिया इसका फाइट, अब पहले गोडल इनको मारेगा और फिर ब्लाइंड को मारेगा। 47 लास्ट है, नहीं नहीं निकल पाएगा ये, अच्छा लोअर ये भी राइट एंगेज हो जाएंगे ना पूरा, उसको चेस भी नहीं करेंगे। यहां पे रशन तो कर दिया है बट क्या टीम ब्लाइंड अब एक टाइम पर आकर थोड़ा सा रिपीट करने के लायक रहेगी, बट नहीं उससे पहले नियो आएंगे पता है भाई, ऑब्वियसली पता है, और हिपफायर के अंदर उनको गेम से बाहर निकालेंगे। डेडपूल अभी टीपीपी एंगल का लुप्त उठाते हुए इस वक्त इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, या मे भी आप कह सकते हो कि कुछ आखिरी सांसें गिनते हुए विलियम्स अभी के लिए बचे हुए हैं। और बिल्कुल जैसे आपने बोला डेडपूल, ये दो खिलाड़ी यहां पर बचे हैं, पागल है ना इसको इतने, और अब बचते इकलौते खिलाड़ी जो यहां पर डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, दो को एचपी भी कम है लेकिन दो डाउन कर चुके हैं, शैडो से एंगल पर रखने की पुरजोर कोशिश होने वाली है। जीगॉड की एचपी देखिए कितनी ले जाएगा, मेन कर बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। डेडपूल इज हियर, दूसरी साइड से स्काइलाइट्स के पुकार आ चुके हैं, शैडो को डाउन किया जा चुका है, यहां पर बच चुके बहुत ज्यादा मुश्किल है। टीपी भी लेना चाहिए था उसको पूरा, डोंट यू थिंक कि ज़ीगॉर्ड ने थोड़ा सा मेरे हिसाब से बचा लिया भाई, ज़ीगॉर्ड ने।